हेलो दोस्तों, रितु किचन में आपका स्वागत है। आज हम सैंडविच बनाएंगे जिसकी सामग्री इस प्रकार है। ये आधी गाजर है, ये आधी शिमला मिर्च है जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है। ये एक टमाटर है छोटा जिसका हमने गूदा निकाल के बारीक काट लिया है। ये थोड़ा सा पनीर है जिसे कद्दूकस कर लिया है। ये एक प्याज है इसे भी हमने बारीक काट लिया है। ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है। ये मक्खन है। ये चार ब्रेड है। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे इसमें। मिलाएंगे इन्हें अच्छी तरह। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, आधा चम्मच काली मिर्ची डालेंगे जिन्हें दरदरा पीस लिया हमने। ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है। ये ऑप्शनल है, इसमें आप सिर्फ हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन नहीं डालना चाहे तो ना डालें। इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। देखिए इसे मिक्स कर लिया हमने। ब्रेड लेंगे, ब्रेड में मक्खन लगाएंगे। मक्खन लगाएंगे अच्छी तरह इसमें। तो फिलिंग भर देंगे इसमें। इस तरीके से उस तरीके से गाजर और जो हमने कद्दूकस किया है इन सबको लगा देंगे अच्छी तरह इस तरीके से। ये टोस्टर है, इसमें लगाएंगे हम। इसे आप तवे में भी बना सकते हैं। इसमें हमने मक्खन लगा दिया था, दिखाना भूल गए आपको। इस तरीके से 5 मिनट में इसे खोलेंगे। देखिए ये रेड बटन ऑन हो गया, अब ये ग्रीन होगा तो समझो ये पक गया है। देखिए सैंडविच बनके हमारा तैयार है। चेक कर लेते हैं। देखिए बनके तैयार है ये। इस तरीके से देखिए इस तरीके से बनेंगे ये। अंदर तक सब्जियां पक गई हैं इसकी। देखिए सैंडविच बनके हमारे तैयार है। अगर आपको मेरी वैसे भी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। थैंक यू।